students, how are you all? Good? Okay. Welcome to the next session of marketing, chapter number 1, subtopic, limitation of marketing. See, as in our previous session, we have studied the importance of marketing. Marketing ka importance kya hai? That it creates more earnings, it creates profits, it gives a boost to the economy, it gives boost to the standard of living, it creates awareness among the employment, awareness about the product. It gives new ideas for the business to do on, source for business. Then it creates employment and so on. Okay. In today's session, we will be dealing with what are the limitations. Limitation basically means disadvantage. Limitation ka basic meaning kya hai? Disadvantage. Marketing humne padha hai. Marketing ek aisi, marketing is that business activity which creates and delivers the standard of living to the society as a whole. ठीक है, मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है बिजनेस की जो मूवमेंट और क्रिएशन ऑफ गुड्स करती है एंड क्रिएट करने के बाद वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करती है सोसाइटी का. बेसिक मीनिंग या बेसिक डेफिनेशन हम बोलेंगे, मार्केटिंग इज इन मार्केटिंग इन्वॉल्व्स ऑल दोज एक्टिविटी विच रिक्वायर्स मूवमेंट ऑफ गुड्स from producer to the consumer for profit or profit in worth in order to increase the standard of living to the society at a large. Clear? Marketing एक ऐसी activity है जिसमें आप जो product है वो producer से consumer तक जाता है और उसकी कोई value होती है and उसमें जो भी functions involved है, buying, selling, distributing, then you have transporting, then you have advertising, everything, branding, grading, ये सब फंक्शंस मार्केटिंग में आता है सो दैट इट इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग टू द सोसाइटी. बट जैसे मार्केटिंग के इम्पोर्टेंस से हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स देखे, राइट? वी हैव सीन द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट आल्सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ वी विल बी स्टडीइंग व्हाट आर द लिमिटेशंस. लिमिटेशन बेसिकली मीन्स डिसएडवांटेज. लिमिटेशन बेसिकली मीन्स डिसएडवांटेज. मार्केटिंग जब इतना बेनिफिशियल है तो उसके कुछ लिमिटेशंस भी हमें सीखना है. हर एक चीज़ जो बेनिफिशियल होती है, दवाई जो हमारे लिए बेनिफिट होती है, लेकिन अगर हम उसके एक्स्ट्रा डोसेस लें तो दैट इज़ हार्मफुल टू आवर बॉडी एज वेल. वैसे ही कोई भी चीज़ जो बेनिफिशियल है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए डिसएडवांटेज भी क्रिएट करती है, उसके कोई लिमिटेशंस भी होते हैं. तो लेट अस सी इन दिस चैप्टर, इन दिस सेशन, द लिमिटेशन ऑफ मार्केटिंग. द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ मार्केटिंग इज इट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मार्केटिंग इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज का मतलब क्या है? सपोज मुझे ये प्रोडक्ट सेल करना है आप, ठीक है, मुझे मैंने ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, मुझे ये प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है. व्हेन आई वांट टू सेल दिस प्रोडक्ट तो इस प्रोडक्ट जब आप खरीदते हो ये प्रोडक्ट को तो आप बल्कि ये कॉस्ट, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट पर नहीं खरीदते हो, प्रोडक्ट की कॉस्ट प्लस उसमें एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग के लिए जो चार्जेस लगे हैं वो भी इसमें ऐड होते हैं. सपोज ये प्रोडक्ट की वैल्यू है 20 rupees, ठीक है, प्रोडक्ट की वैल्यू 20 rupees, और अगर इसमें पर प्रोडक्ट को अगर 5 rupees मार्केटिंग पर लग गया है तो कस्टमर जो ओनर ऑफ द जो बिजनेसमैन है, इसका जो ओनर है, जो सेलर है, वो आपसे 20 rupees नहीं लेगा बल्कि 25 rupees लेगा. ये प्रोडक्ट में आपकी मार्केटिंग की हुई कॉस्ट, जो इस प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, आपको एडवर्टाइज करने के लिए, ये प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो कॉस्ट लगा है, वो कॉस्ट आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में ऐड किया जाता है बाय द सेलर. और इसलिए ऐसा बोला जाता है कि ये जो भी प्रोडक्ट आप जब परचेस करते हो वो प्रोडक्ट में सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं होती है बल्कि उसमें मार्केटिंग की भी कॉस्ट इंक्लूडेड होती है. और जब प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की कॉस्ट प्लस मार्केटिंग कॉस्ट ऐड हो जाता है तो प्रोडक्ट के कॉस्ट की वैल्यू अल्टीमेटली बढ़ जाती है. और जब प्रोडक्ट की कॉस्ट की वैल्यू बढ़ जाती है दैट गोज इनटू लिमिटेशन ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग की वजह से हमें हमारे नीड्स पता चलते हैं, मार्केटिंग की वजह से हमें हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट पता चलती है, मार्केटिंग की वजह से हमें इसके बेनिफिट्स पता चलते हैं. एंड नो कंपनी विल मार्केट दिस प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट. कोई कंपनी मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करेगा. एंड ये अपने ऊपर मार्केटिंग जब करता है कोई भी बिजनेस तो वो अपने ऊपर उसका कॉस्ट कभी भी इनकर होने नहीं देगा. अब वो खुद वो मार्केटिंग का कॉस्ट कभी भी बेयर नहीं करेगा. एट टाइम ही विल बेयर, द कंपनी विल बेयर द कॉस्ट, बट लेटर व्हेन द प्रोडक्ट स्टार्ट
सेलर वो प्रोडक्ट में वो कॉस्ट को वो ऐड कर देते हैं एंड द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस एंड दैट गोज टू द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ मार्केटिंग दैट मार्केटिंग क्रिएट्स द इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसलिए मार्केटिंग का कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग की वजह से गुड्स का कॉस्ट और प्रोडक्ट का सर्विसेज का कॉस्ट बढ़ जाता है. क्लियर वन पॉइंट. ओके नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केटिंग मिस अलोकेट स्केर्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज. मार्केटिंग क्या करता है स्केर्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज. स्केर्स मीन्स लिमिटेड. स्केर्स मीन्स लिमिटेड. मार्केटिंग क्या करता है जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है जिसका हम सप्लाई बढ़ा नहीं सकते. क्या हम लैंड का सप्लाई बढ़ा सकते हैं क्या? क्या हम वाटर का सप्लाई बढ़ा सकते हैं? क्या हम एयर का सप्लाई बढ़ा सकते हैं? क्या हम वाटर का सप्लाई बढ़ा सकते हैं? नो वी कांट बिकॉज दिस सप्लाईज आर लिमिटेड. हम कितना भी पुल करो कितना भी पुश करो वी कांट इंक्रीज द सप्लाई ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट इन टू आर इकोनॉमी. दैट इज कॉल्ड एज स्केर्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज. स्केर्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज मीन्स वो रिसोर्सेज लाइक डीजल पेट्रोल केरोसिन वाटर एयर land, these all are the resources which are gifted by the nature to the human being at a large. और अगर human being इसका proper use नहीं करता है और इसका proper distribution नहीं करता है तो ये economic resources जो limited है जो scarce है वो resources will extinguish. वो resources ख़त्म हो जाएंगे and that ख़त्म होने पर हमारा loss ही loss है. इसीलिए हमें वो resources को properly केयरफुली यूज करना है. बट मार्केटिंग उसका अलोकेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन. अलोकेशन मतलब क्या है डिस्ट्रीब्यूशन. अलोकेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन और मिस मीन्स इम्प्रॉपर. और मिस मीन्स इम्प्रॉपर. मार्केटिंग क्या करता है जो हमारे स्केर्स इकोनॉमिक रिसोर्सेस है जो हमारे रिसोर्सेस है जो अनलिमिटेड है वो रिसोर्सेस को प्रॉपरली डिवाइड प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है. बिकॉज ऑफ मार्केटिंग हमारे जो रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल और ये मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज में देखा जाता है. डेवलपिंग कंट्री में रिसोर्सेज जो होते हैं वो रिसोर्सेज को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन ऑल द सेक्टर्स नहीं दिया जाता. जो सेक्टर ज़्यादा पैसा फेंकता है वो सेक्टर को ज़्यादा रिसोर्सेज दो. जो सेक्टर कम पैसा देता है वो रिसोर्सेज को कम पैसा दो कम रिसोर्सेज दो वो सेक्टर को कम रिसोर्सेज दो. और ये मेजरली अंडर डेवलप कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज में देखा जाता है एंड स्पेशली इट इज़ बीन ऑब्जर्व इन अ कंट्री लाइक इंडिया. कंट्री इंडियन इंडिया में ऐसा देखा गया है बहुत से स्कूल्स है देन वी हैव हॉस्पिटल्स देन वी हैव अदर टेलीविजन देन वी हैव अदर सेक्टर्स देन वी हैव फिल्म इंडस्ट्री जहाँ पर यह रिसोर्सेज को इतना मिस अलोकेट किया जाता है मिस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसका अंडू एडवांटेज उठाया जाता है. एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग के वजह से ही रिसोर्सेज को अनलोकेट प्रॉपरली मिसलोकेट किया जाता है और उसी के वजह से ये सेकेंड लिमिटेशन बना है ऑफ मार्केटिंग. नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग क्रिएट्स नीड. हमने क्या बताया था मार्केटिंग एक नीड को हमारे जन्म देता है. ठीक है अब येस्टरडे ओनली व्हेन आई वाज ऑब्जर्विंग टेलीविजन आई सॉ वन थिंग which you all might be knowing or not knowing, I don't know. You all know, now there is one liquid which has come into the market wherein that with that liquid we can wash our vegetables. Vegetables wash करने के लिए liquid आया है. इसके पहले वो liquid था क्या market में कभी भी? किसी को ज़रूरत थी? नहीं थी. फिर एक company ने क्या किया? वो analyze किया, study किया कि अरे ये प्रोडक्ट तो मार्केट में नहीं है चलो हम ये प्रोडक्ट लेकर आते हैं. एंड दे इन्वेंटेड दैट प्रोडक्ट एंड नाउ दे आर डूइंग एडवर्टीजमेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट. एंड डे बिफोर यस्टरडे आई सॉ दैट प्रोडक्ट इनटू डीमार्ट आल्सो. दैट मींस वो प्रोडक्ट का इतना एडवर्टीजमेंट किया है अब वो डीमार्ट में भी आ गया एंड पीपल विल स्टार्ट परचेसिंग इट. राइट इसके पहले था ये चीज़ें जैसे मशीन्स के जो हम डिटर्जेंट डालते हैं वहाँ पर लिक्विड है. जैसे हम यूटेंसिल्स क्लीन करते हैं पहले सोप थे अब लिक्विड आ गए हैं. वैसे ही वेजिटेबल क्लीन करने के लिए हम जस्ट पहले पानी से वॉश करते थे अब उसका भी लिक्विड आ गया है वॉश करने का. दैट इज व्हाट आया है दैट वाज आवर नीड. हमको पता नहीं था वो हमारी नीड है बट हमें एनालाइज करा के दिया कि ये हमारी नीड है भाई ये तुम्हारी नीड है ये अवेलेबल है मार्केट में
आप ले लो। तो हम क्या करते हैं जब डीमार्ट जाते हैं, हम देखते हैं अरे ये तो हमने ऐड में देखा था, चलो एक बार लेते तो है और ट्राई तो करते हैं, एंड वंस वी लाइक इट वी बिकम द रेगुलर कस्टमर ऑफ दैट प्रोडक्ट। यस, ऐसे हमारा मार्केटिंग प्रोडक्ट जो आता है मार्केट में, जो प्रोडक्ट आता है मार्केटिंग हमें उसकी नीड करा कर देता है। हमें नीड नहीं है, हमें नीड है क्या, हमें क्या वो लिक्विड की नीड है टू वॉश आवर वेजिटेबल्स, टू वॉश आवर फ्रूट्स? नो, वी डोंट वांट, राइट? बट एडवर्टीज, बार बार एडवर्टाइजमेंट, बार बार एडवर्टाइजमेंट आके फिर आप हम डीमार्ट पे भी उसको देख रहे हैं, तो हमको ऐसा होता है अरे चलो जब देखते हैं हम लोग जाते हैं जब वो शोकेश में से, व्हेन वी पास ऑन थ्रू द शोकेश डिस्प्ले में से, तो डिस्प्ले में जब हम देखते हैं अरे चलो एक बार तो ट्राई करेंगे ये क्या है, राइट? एक बार ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद हमें अच्छा लगा तो हमारा नीड बन जाता है। हमें मार्केटिंग हमारे वो चीज़ें नीड में लाने की कोशिश करते हैं या वो चीज़ों की नीड बताते हैं जो हमें पहले रियलाइज ही नहीं हुई है। एंड सम पीपल हु कांट इवन अफोर्ड दैट दे टू फोर्स देमसेल्फ टू परचेज दैट थिंग। कुछ लोग जो जिसको वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते वो लोग वो जाकर उन्हें परचेज करना पड़ता है बिकॉज मार्केटिंग ने उन्हें एनालाइज करा के दिया कि भाई ये तुम्हारी नीड है, इसको तुम परचेस करो, इसको परचेस करने के बाद आपके वेजिटेबल्स क्लीन एंड सॉफ्ट गुड हो जाएंगे। एंड व्हाट द पुअर पीपल हु डोंट हैव मनी दे डू, वो फोर्सफुली उसको परचेस करते हैं एंड देयरफॉर इट बिकम्स द लिमिटेशन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग बेसिकली क्रिएट्स नीड, मार्केटिंग का बेसिक फंडा ही है नीड क्रिएट करना, नीड को आइडेंटिफाई करना और उसको क्रिएट करना, और क्रिएट करने के बाद उसको प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करने के बाद थ्रू वेरियस चैनल्स ऑफ मार्केटिंग, वेरियस मोड्स ऑफ मार्केटिंग एडवर्टाइज इट। वंस यू हैव एडवर्टाइज इट, डिस्प्ले इट एंड लेट द कंज्यूमर टेक इट एंड ट्राई इट एंड बिकम द रेगुलर कस्टमर ऑफ इट। भले उसकी नीड है नहीं है पता नहीं, बट उसको नीड कराओ, उसको नीड बताओ, ये तुम्हारी नीड है भाई, है तुम्हारी नीड एंड यू वॉन्ट दिस प्रोडक्ट, this is what, and some people they don't have money and therefore it becomes the limitation of marketing, third limitation. Fourth limitation of marketing is marketing involves too much competitive promotion. Competitive promotion ka matlab hai har wo activity of marketing jisme expense zyada lagta hai. Suppose agar aapko advertise karna hai koi product ko to aap advertising media se jaate ho, theek hai, बट अगर आप एक नॉर्मल एडवर्टाइज नहीं बनाते हो बल्कि यू टेक सम फिल्म एक्टर और एक्ट्रेसेस टू बी द एम्बेसडर ऑफ योर प्रोडक्ट एंड एडवर्टाइज इट, लाइक अमिताभ बच्चन इफ यू टेक बिकॉज ही इज अ फेमस एक्टर एंड इफ ही एडवर्टाइज द प्रोडक्ट विल बी मोर पॉपुलराइज। ओके, देख 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 अमिताभ बच्चन आया है एंड क्या प्रोडक्ट है, तो दिस प्रोडक्ट है, देन वी रियलाइज नेक्स्ट टाइम अरे अमिताभ बच्चन ने वो प्रोडक्ट क्या ऐड की थी, मतलब ये कॉम्पिटिटिव प्रमोशन हुआ। ऐसे एक ही कंपनी नहीं, देर आर मेनी कंपनीज हु टेक्स एम्बेसडर्स, हु टेक अदर एक्सपेंसिव थिंग्स फॉर देयर मार्केटिंग। मार्केटिंग जब प्रोडक्ट का करते हैं तो दे यूज मेनी एम्बेसडर्स, क्रिकेटर्स, देन फिल्म स्टार्स, देन मिलेनियर्स, बिलेनियर्स को लाते हैं और उससे अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइज कराते हैं एंड दे हैव अ स्टिफ कॉम्पिटिशन। और ये कॉम्पिटिशन जो होता है इसके जो एक्सपेंस होते हैं प्रमोशन के, दैट आर मच मोर हाई बिकॉज पेइंग टू द एम्बेसडर, पेइंग टू एन एक्टर, पेइंग टू अ क्रिकेटर हु इज मच मोर पॉपुलराइज विद द पब्लिक, उनको पे करना, फिर एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को पे करना, नॉट अ जोक। एंड ये कहीं पर भी फ्रूटफुल नहीं है, इसका रिजल्ट कहीं पर भी नहीं आता है। अल्टीमेटली योर प्रोडक्ट गेट सोल्ड एंड द कंपनी गोज ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एंड सेल्स इंक्रीज, सिर्फ इतना ही। बट अगर आप एक नॉर्मल एडवर्टीजमेंट भी करते हो तो योर प्रोडक्ट गेट सोल्ड ऑफ। लेकिन आज के जमाने में जो कॉम्पिटिशन हुआ है एम्बेसडर को लाकर, स्टार्स को लाकर, एडवर्टीजमेंट को एक्सपेंसिव किया गया है, एक्सपेंसिव एडवर्टीजमेंट की गई है, क्योंकि कंपनीज फील कि अगर हम एम्बेसडर या पॉपुलर पर्सन को लाते हैं या एक्टर को लाते हैं किसी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमारा प्रोडक्ट, तो हमारा प्रोडक्ट बहुत बार से बहुत अच्छे से सेल हो, जैसे कि फर्स्ट ट्राई के लिए एम्बेसडर फॉर फर्स्ट ट्राई इज अमिताभ बच्चन, देन वी हैव कैन प्यूरिफायर श्रीदेवी, सॉरी हेमा मालिनी, राइट? लाइक वाइज देर आर मेनी एम्बेसडर फॉर मेनी प्रोडक्ट एंड देयर प्रमोशन कॉस्ट इज वेरी हाई ऑफ दैट प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट के प्रमोशन कॉस्ट बहुत हाई है एंड दिस कॉस्ट विल नॉट बेयर एनी फ्रूट टू द कंपनी एट अ लार्ज। कंपनी को इसका फ्रूट ही नहीं, सिर्फ एक्सपेंस है ये,
इसका फ्रूट कोई भी नहीं है इन अ शॉर्ट रन. क्लियर, लॉन्ग रन में है बट शॉर्ट रन में इसका कोई बेनिफिट नहीं होता है कंपनी को. ये जस्ट एक्सपेंस है एंड ये एक्सपेंसिव. आप प्रमोशन भी करते हो थ्रू एडवर्टीजमेंट इज फाइन, बट अगर आपको कॉम्पिटिटिव करना है, अगर हमको दूसरों से अच्छा ही करना है, हमको अच्छा ही करना है, तो हम अच्छे से अच्छा एम्बेसडर लाएंगे एंड अच्छे से अच्छा एम्बेसडर लाने के लिए यू हैव टू पे मच मोर फ्रॉम योर पॉकेट. क्लियर टू इट? नेक्स्ट वन है मार्केटिंग इग्नोर्स एथिक्स एंड एथिकल एंड मॉरल कंसिडरेशन. मार्केटिंग जब करते हैं तो उसमें ह्यूमन के एथिक्स, जैसे कि हमारे सोशल एथिक्स एंड मॉरल कंसिडरेशन को टोटली अवॉइड किया जाता है. बट हम कंपनीज का क्या है, हमने प्रोड्यूस किया, हमारा प्रोडक्ट है, हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइज होनी चाहिए, बट वहाँ पर किसी के मोरल्स को, किसी के एथिक्स को हर्ट हो रहा है, दे डोंट टेक इनटू कंसिडरेशन. एग्जाम्पल, एक लड़की, उसका अगर कोई शूज को दिखाना है ना, शूज की एडवर्टाइज करनी है, सपोज गर्ल्स की, फीमेल शूज की एडवर्टाइज करनी है, व्हाट द एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज विल डू और व्हाट द कंपनी विल डू, देल मेक द गर्ल वेयर अ शॉर्ट ड्रेस एंड शॉर्ट मिनीज एंड देल शोकेस हर एंड देन अल्टीमेटली देल शो द शूज व्हाट दे हैव वोर्न. मतलब क्या कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो आप लड़कियों को जो अब्यूज करते हो सोशल मीडियाज पर, जो ब्रॉडकास्ट पर, दैट इज अ फॉर्म ऑफ एथिकल इग्नोरिंग एथिकल एंड मॉरल कंसिडरेशन. जो लड़कियों के मॉरल कंसिडरेशन है, जो लड़कियों के एथिक्स से, जो सोसाइटी के एथिक्स से, उसको इग्नोर किया जाता, बट हमको हमारा प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, बट हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करनी है. यू शो द गर्ल विद minis and all long long hair legs with then the advertise will be there, ultimately you see down then she has worn the shoes ki advertise kar rahe the bhai wo ladki ko itna expose karke. That is the biggest disadvantage of this thing, marketing mein product ko itna advertise kiya jata hai, they don't even consider ki kisi ke morals ko hurt hoga, kisi ke ethics ko hurt hoga. No, but they want their product to be sold on. पूरा शोकेश करेंगे और बाद में बताएंगे, देखो भाई ये हमको ये सैंडल सेल करनी थी, सैंडल की एडवर्टाइजिंग. यू हैव सीन राइट, soaps, then we have this hair remover creams. This all are unethical to the society, right? ये society से ethics नहीं है. Clear to it? Then you see marketing अगर आपको पढ़ना है ना अच्छे से, तो आपको आपका कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एडवर्टीजमेंट एंड ऑल शुड हैव अ वेरी गुड. आप अगर अपनी टीम एफ वाई में मार्केटिंग पढ़ रहे हो तो आपके जो एडवर्टीजमेंट है, तो आपको फोकस रहना है एडवर्टीजमेंट्स पर, क्योंकि आपको एडवर्टीजमेंट जब आप देखते हो ना, आपको खुद को समझ में आएगा दैट इज ऑल अबाउट मार्केटिंग. ये कैसी मार्केटिंग है, कौन सी मार्केटिंग में डिसएडवांटेज क्या हो रहा है, मार्केटिंग का अब्यूज कहाँ हो रहा है, मार्केटिंग के फायदे कैसे हो रहे हैं. That you will all get to know under one criteria of marketing, under one function of marketing, that is advertisement. And advertisement to hum movies ke samne, TVs ke samne to hamesha 24/7 lage hai during this lockdown. We get, okay? Then we have marketing adversely influence our environment. Marketing hamare environment ko influence karta hai, positively nahi, positively karta hai, lekin uska adverse effect bhi hai environment pe. Jaise ke मार्केटिंग अगर हमको प्रोडक्ट की करना है, अगर मुझे ये प्रोडक्ट सेल करना है तो मैं क्या करूँगी, इसको रैफर, इसको बो, इसको बुके लगाकर इसको आपके सामने रखूंगी राइट. इसको रैफर्स मतलब प्लास्टिक्स राइट. जब मैं मार्केटिंग मेरे प्रोडक्ट की कर रही हूँ, जब मुझे मार्केटिंग करना है तो मैं अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट कार्डबोर्ड यूज करूंगी, अच्छे से अच्छा प्लास्टिक यूज करके इसको डेकोरेट करके शोकेस में लगाऊंगी, डिस्प्ले में लगाऊंगी सेल करने के लिए. और जिसका रैफर अच्छा दिखता है हमारे आंखों को, वो अट्रैक्ट होता है एंड वी परचेज दैट प्रोडक्ट राइट. बट अल्टीमेटली जब हम मार्केटिंग में ज्यादा से ज्यादा रैपर, ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक्स, देन कार्डबोर्ड, अनडिस्पोजेबल चीजें जब हम यूज करते हैं, दैट क्रिएट्स हार्म टू द इकोनॉमी, बिकॉज वो दैट क्रिएट्स हार्म टू द एनवायरमेंट, बिकॉज दैट पल्यूट्स द एनवायरमेंट. एंड जब वो पल्यूट करता है एनवायरमेंट को, वो एडवर्सली हमें ही इफेक्ट करता है फॉर द ह्यूमन बींग्स. क्लियर टू इट? एडवर्स मार्केटिंग कैसे एडवर्सली इफेक्ट करता है, पैकिंग, रैफिंग. देखो आप कोई भी प्रोडक्ट लो, उसको इतना रैफर लगाया हुआ रहेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल बेबी प्रोडक्ट्स भी लेते हैं, तो बेबी प्रोडक्ट में जो कार्डबोर्ड यूज किया है पैक करने के लिए, उसके पहले एक प्लास्टिक कोटिंग होगी, देन यू टेयर द प्लास्टिक कोटिंग, देन यू टेयर द कार्डबोर्ड, देन यू गेट अ पिटी सोप राइट. तो वो जो कार्डबोर्ड है, जो कार्डबोर्ड अगर डिस्पोजेबल है फाइन, प्लास्टिक डिस्पोजेबल है तो फाइन, बट अल्टीमेटली द प्लास्टिक्स आर नॉट डिस्पोजेबल एंड
Today you see the condition of our road. Everywhere you will find the plastics and all. This is because of marketing only. हम शॉप्स में जाते हैं मोबाइल खरीदने के लिए. Now they have used paper bags. But पहले क्या करते थे? प्लास्टिक में मोबाइल फोन डालकर दे देते. ऐसे hundreds of mobile they sell. Hundreds of plastic. फिर हम घर पे लेके आके क्या करते हैं? मोबाइल तो यूज कर लेते. प्लास्टिक बैग फेंक देते डस्टबिन में. क्लियर? दिस आर द डिसएडवांटेज ऑफ मार्केटिंग. डिसएडवांटेज में फर्स्ट क्या है? इट क्रिएट कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मार्केटिंग के वजह से हमारी ओरिजिनल कॉस्ट बढ़ जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की. क्योंकि जब सेलर सेल द प्रोडक्ट ही विल एड द कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग टू दैट प्रोडक्ट. Then we have misallocation of scarce economic resources. इसका मतलब क्या है? जब marketing की जाती है, marketing के वजह से जो हमारे economic resources है, जो limited है, उसका allocation बहुत miss हो जाता है, miss distribution हो जाता है, especially in a country like developing, example India. Next one है, marketing creates need. Marketing का basic funda ही identification and creation of needs है. मार्केटिंग वो नीड्स हमें हमारी रियलाइज करा कर देता है जिसका हमें पहले पता भी नहीं था. और वंस वी कम एडिक्टेड टू आर नीड्स वी हैव टू फोर्सफुली परचेज दैट नीड्स प्रोडक्ट एंड सेटिस्फाई आवर सेल्फ इवन दो वी डोंट हैव मनी एंड वी गो इनटू लॉसेस एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ डिसएडवांटेज ऑफ मार्केटिंग. नेक्स्ट वन वी हैव क्रिएट्स मार्केटिंग इन्वॉल्व्स टू मच कॉम्पिटिटिव प्रमोशंस. मार्केटिंग involves too much competitive promotion. Promotion can be done with the help of simple marketing also. But अगर competitive marketing करना है तो it involves expensive cost. और expensive cost is nothing but a cost which will not bear any fruit in the short run to the company. And therefore it is a disadvantage to the marketing. Next one we have marketing ignores ethical and moral consideration. Marketing जब करते हैं आप product की तो आपको बस as a company you just have to focus on your product as a marketing. फिर आपको किसी की ethics की किसी के morals की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है. Example I have given you, if you want to market if a company produces sandals or shoes, if it want to market it, they will take an example. They will take a model who is wearing a mini and they showcase and mini and they'll focus on her legs, wherein वो leg को focus करते to show the product that is sandals. Marketing of sandals की जाती, but her all the legs are being showcased. That is under ignoring ethical issues and ignoring morals and not considering the morals of the society at a large. नेक्स्ट वन वी हैव मार्केटिंग एडवर्सली इन्फ्लुएंस आवर एनवायरनमेंट. मार्केटिंग की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट हुआ है. बिकॉज मार्केटिंग में ब्रांडिंग करते वक्त, ग्रेडिंग करते वक्त प्लास्टिक्स, देन कार्डबोर्ड, देन अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस आर यूज, लाइक अदर हार्मफुल सब्सटेंसेज आर यूज. और जब आप वो प्रोडक्ट घर पर लेकर जाते हो तो वो सब्सटेंस जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो प्रोडक्ट तो मिलता है, उसके साथ वो जो हार्मफुल सब्सटेंस ऑल्सो यू कैरी एंड यू थ्रो इट इन टू द डस्टबिन एंड यू टेक दैट डस्टबिन एंड डंप इट ऑन द रोड. तो इसके वजह से हमारा इकोनॉमिक एनवायरमेंट भी पोल्यूट हो रहा है. दिस आर द लिमिटेशंस ऑफ मार्केटिंग. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द लिमिटेशंस ऑफ मार्केटिंग. इन द नेक्स्ट सेशन वील सी द हाउ मार्केटिंग हैज इवॉल्व. क्लियर टू इट? थैंक यू. Meet you in the next session.